नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीके फूड्स बालावाला में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वीके फूड्स के माध्यम से मैं आपको नई नई जानकारियां देता हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल वीके फूड्स बालावाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड नई नई वीडियोस मिल सके, नई नई जानकारियां मिल सके। ग्रोवर्स पूछते हैं कि सर हमारे मशरूम के फ्रूट के ऊपर जो है सफेद सफेद सी धागे बन गए हैं और ये धागे जो है क्या है और ये क्यों बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ये आपको सफेद सफेद धागे दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सफेद सफेद धागे जिनके बारे में हम आमतौर पर न्यू ग्रोवर्स को बताते हैं कि आप CO2 को रिलीज करना है, CO2 को रिलीज करना है। तो ये वही CO2 है जो कि इस प्रकार से जम गई है फ्रूट के ऊपर। तो आमतौर पर फ्रूट के ऊपर CO2 का जमना खराब भी नहीं है, जमती है क्योंकि CO2 लगातार रिलीज हो रही है तो फ्रूट के ऊपर बैठेगी भी, लेकिन ये धुलाई करके साफ हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब खड़ी होती है जब CO2 आपके बैग के ऊपर बैठ जाती है और वो नेक्स्ट छेद को ब्लॉक कर देती है। एक साइंटिफिक आपने देखा होगा कि कभी भी आग को बुझाने के लिए CO2 गैस का ही प्रयोग किया जाता है, जो सिलेंडर होते हैं उसमें भी CO2 गैस होती है। आग के ऊपर जब CO2 की लेयर बन जाती है तो वो आगे जो है आग नहीं बढ़ती क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अभी सेम थ्योरी आपके बैग के ऊपर भी लागू होती है क्योंकि जिस छेद से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और फ्रूटिंग बाहर आ रही है वो छेद CO2 के कारण बंद हो गया है और आपकी अगली फ्रूटिंग नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। तो दोस्तों CO2 को रिलीज करना बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि समय समय पर जिस समय फ्रूटिंग हो रही है इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको कंटिन्यूस प्लांट के अंदर जाना है। अगर उसमें आपको धुआं दिखाई दे रहा है तो आपको एकदम से उसको फ्रेश एयर देनी है और उसको रिलीज करना है। साथ ही आपको ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है, अगर ह्यूमिडिटी डाउन हो रही है तो तुरंत उसमें पानी का छिड़काव करके ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे CO2 का कितना नुकसान आपको हो सकता है। और नए ग्रोवर्स अक्सर कहते हैं कि सर हमारी कुछ छेदों से फ्रूटिंग हुई और कुछ छेदों से फ्रूटिंग नहीं हुई। जिन छेदों से फ्रूटिंग नहीं हुई है उसका रीजन यही है कि स्टार्टिंग के जो फ्रूट निकले थे उनकी CO2 निकल के उस छेद के ऊपर बैठ गई है। अगर आपको लगता है, आप जब किसी बैग के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको सेम प्रकार का हाथों में ये जाल सा दिखाई देगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उससे जो मेन फ्रूट है उसको तोड़कर और उसकी हल्की सी धुलाई कर सकते हैं जिससे कि उसका CO2 उससे निकल जाए और आपको अगली फ्रूटिंग मिल सके। तो दोस्तों जिस CO2 की मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं, आप जब इस प्रकार से बैग के ऊपर हाथ लगाएंगे तो इस प्रकार से आपको ये फिंगर में व्हाइट कलर दिखाई देगा और यही CO2 है जो आपके आने वाले फ्रूटिंग को होने नहीं देगी। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये इसके छेद के ऊपर गई है तो ये आपके बैग को दिक्कत करेगी और यहाँ से फ्रूट निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाए और इन छेदों की विशेष सफाई की जाए ताकि इससे अगली फ्रूटिंग आसानी से निकल सके। CO2 अगर उसके ऊपर जम जाती है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो फ्रूट बाहर नहीं निकलेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें और समय समय पर अपने बैगों की सफाई भी करते रहें जिसके कारण आप अच्छा उत्पादन कर सके। दोस्तों अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।